शहर के पुलिस दक्षता कमेटी के प्रधान समन्वयक प्रवीण राउत के हाथों विधान परिषद के नागपुर पदवीधर मतदार संघ के उम्मीदवार वर्धा निवासी तथा यूट्यूब फेमस मास्टर नितेश कराले का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर दर्जनों पदाधिकारी तथा सदस्य मौजूद थे। आए दिन विद्यार्थियों का पढ़ना लिखना मानो एक बहुत चैलेंज हो रहा है। बाजारों में कुकुरमुर्तो जैसे कई ऐसे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं जो विद्यार्थियों के अभिभावक से बहुत ज्यादा पैसे ऐंट रहे हैं। अपना बच्चा या बच्ची कुछ पढ़ लिख कर बड़ा बने, इसलिए विद्यार्थियों के माता पिता पेट काट कर भूखे रहते हुए प्राइवेट कोचिंग क्लासेस चलाने वालों के घर भर रहे हैं, किंतु रिजल्ट जीरो है। भारी भरकम फीस देने के बावजूद और ऊंची शिक्षा पढ़ने के बावजूद भी विद्यार्थियों का करियर नहीं बन रहा है। कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जा रहा ज्ञान विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से जा रहा है, किंतु वर्धा शहर के ग्रामीण परिसर में एक ऐसे मास्टर है जिनके सिखाने की बोली भाषा और तरकीब विद्यार्थियों को संजीवनी देने का काम कर रही है। जी हाँ, हाथ में मोबाइल लिए बातचीत कर रहे ये है मास्टर नितेश कराले। नितेश कराले मास्टर जी ने BSc, MSc, MPSc जैसे परीक्षा में अव्वल है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जिनकी है, ऐसे मास्टर नितेश कराले इनके आए दिन YouTube पर बहुत वीडियो विद्यार्थी आनंद से देख रहे हैं। उनकी बोली भाषा और पढ़ाई करने का तरीका विद्यार्थियों को खूब भा रहा है। उच्च शिक्षित मास्टर जी नितेश कराले पदवीधर मतदार संघ के चुनाव में खड़े हैं। उन्हें हर तबके से भारी समर्थन भी मिल रहा है। खास बात यह है कि उनके पीछे विद्यार्थियों की फौज खड़ी है। नागपुर आगमन पर पुलिस दक्षता समन्वय समिति के प्रधान समन्वयक प्रवीण राउत के हाथों उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनका सम्मान किया गया। इस बारे में प्रवीण राउत और मास्टर नितेश कराले इन्होंने NBCN के समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में NBCN की टीम ऐसे जगहों पे खड़ी है जहाँ पे एक ऐसे आदर्श शिक्षक का पुरस्कार किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं वर्धा जिले के उस शिक्षक की जिनका नाम है नितेश कराले, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि विद्यार्थियों के खास माने जाते हैं और उनका आज जो सत्कार समारंभ का कार्यक्रम है वो पुलिस मित्र के जो अध्यक्ष है प्रवीण राउत उनकी ओर से किया जा रहा है। इस समय में हमारे साथ दोनों पर्सनैलिटी मौजूद है। सबसे पहले हम नितेश कराले इनके पास जाएंगे। नितेश जी, जिस प्रकार से आज ये जो कामकाज किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षकी का जो पेशा है बदलते कामकाज के अनुसार बदलते जा रहा है, ऐसे में शिक्षक और विद्यार्थियों का जो मेल मिलाप, ये जो कोऑर्डिनेशन जो चाहिए वो कितना महत्वपूर्ण होता है? विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा आवश्यकच आहे। विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा नसला तर हे कार्य शक्य नाही। मी ज्या पदवीधर मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज दाखल केला तर 6 जिल्हे आहे आणि खूप मोठा पदवीधर मतदारसंघ आहे आणि यांनी जर मला मतदान केलं तर मी यांच्या समस्या विधान परिषदेसमोर आणि शासनासमोर मांडू शकतो। सर, अक्सर ये देखा गया कि विधान परिषद में जो चुन के लोग आते हैं, जो बड़े बड़े हम कामकाज तो करते हैं, मगर विद्यार्थियों के जीवन संवर्धन के लिए कोई काम नहीं करता। आप आने के बाद विद्यार्थियों को किस प्रकार से आश्वस्त करते हो, वचन देते हो कि मैं आपके ये पहले दो काम करूंगा जो अब तक के नहीं हुए, ऐसे कौन से दो काम करोगे? दोन काम तो भरपूर आहे। म्हणजे मागच्या 50 वर्षात ज्यांच्याकडे ही व्यवस्था होती त्यांनी पदवीधर मतदार संघासाठी काहीच नाही केलं। आमदार फोन येत होता, तो भलत्याच कामाला खर्च करत होते। MPSC च्या परीक्षा आता 4 वेळा पोस्टपोन झाल्या, ठीक आहे। PSI STI च्या अजून एक्झाम झालेल्या नाही। PSI ची फिजिकल झाली, अजून मेन झाली, फिजिकल आणि इंटरव्ह्यू झाला नाही। त्याच्यानंतर पोलीस भरतीची ॲडव्हर्टाईज काढतो म्हणून अजून काढली नाही। त्याच्यानंतर जे नोकरी लागले त्यांच्या जुन्या पेन्शनचा प्रॉब्लेम आहे। त्याच्यानंतर ज्या परीक्षा पारदर्शक व्हायला पाहिजे पोलीस भरतीच्या किंवा अजून कोणत्याही ग्रामसेवक तलाठीच्या आहे, महापोर्टल काढून दिलं, महापोर्टलनं खूप रुपयाचे फॉर्म भरून घेतले, अजूनही ते पैसे कुठे गेले आणि त्या परीक्षा कुठे गेल्या त्याचाही आता पता नाही। काय केलं मागच्या शासनानं हेही माहीत नाही। तर असे भरपूर प्रश्न आहे। त्याच्यानंतर गाव तिथं वाचनालय असायला पाहिजे। आंबेडकर साहेबांनी सांगितलं का जर मंदिरासमोरच्या लाईनी वाचनालयासमोर लागतील तर ह्या भारत महासत्ता होईल, आणि महासत्ता भारत गर्वाचा असेल तर आपल्याला विद्यार्थ्यांना त्या क्षेत्रात उतरावा लागेल, ठीक आहे। त्यांना ज्ञान द्यावं लागेल, पण ज्ञानासाठी गाव तिथं वाचनालय ही संकल्पना राबवणं आवश्यक आहे। अज्ञानता को यदि दूर करना है तो शिक्षा का दायरा बढ़ना जरूरी है, मगर शिक्षा का दायरा बढ़ने से ही काम होगा क्या? क्योंकि आज देश भर में जिस प्रकार से विद्यार्थी हो बड़ी संख्या में बेरोजगारी का आलम है, ऐसे में ना तो सरकार ध्यान दे रही है ना कोई प्रशासन ध्यान दे रही है। हो सकता है कि विधान परिषद में अब ये जो सदस्य चुन के आएंगे शायद ध्यान दे, लेकिन ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश तभी मजबूत होगा जब देश का विद्यार्थी भी मजबूत होगा। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।
दर्शकों नमस्कार। इस समय में इन विषय की टीम ऐसे जगहों पे खड़ी है जहां पे एक ऐसे आदर्श शिक्षक का पुरस्कार किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं वर्धा जिले के उस शिक्षक की जिनका नाम है नितेश कराड़े, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि विद्यार्थियों के खास माने जाते हैं। और उनका आज जो सत्कार समारोह का कार्यक्रम है वो पुलिस मित्र के जो अध्यक्ष है प्रवीण राउत, उनकी ओर से किया जा रहा है। इस समय में हमारे साथ दोनों पर्सनैलिटी मौजूद है। सबसे पहले हम नितेश कराड़े इनके पास जाएंगे। नितेश जी, जिस प्रकार से आज ये जो कामकाज किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक का जो पेशा है बदलते कामकाज के अनुसार बदलते जा रहा है, ऐसे में शिक्षक और विद्यार्थियों का जो मेल मिलाप, ये जो कोऑर्डिनेशन जो चाहिए, वो कितना महत्वपूर्ण होता है? विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा आवश्यकच आहे। विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा नसला तर हे कार्य शक्य नाही। मी ज्या पदवीधर मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज दाखल केला तर 6 जिल्हे आहे आणि खूप मोठा पदवीधर मतदारसंघ आहे आणि यांनी जर मला मतदान केलं तर मी यांच्या समस्या विधान परिषदेसमोर आणि शासनासमोर मांडू शकतो। सर, अक्सर ये देखा गया कि विधान परिषद में जो चुन के लोग आते हैं, जो बड़े बड़े हम कामकाज तो करते हैं, मगर विद्यार्थियों के जीवन संवर्धन के लिए कोई काम नहीं करता। आप आने के बाद विद्यार्थियों को किस प्रकार से आश्वस्त करते हो, वचन देते हो कि मैं आपके ये पहले दो काम करूंगा जो अब तक के नहीं हुए, ऐसे कौन से दो काम करोगे? दोन काम तो भरपूर आहे। म्हणजे मागच्या 50 वर्षात ज्यांच्याकडे ही व्यवस्था होती त्यांनी पदवीधर मतदार संघासाठी काहीच नाही केलं। आमदार फोन येत होता तो भलत्याच कामाला खर्च करत होते। एमपीएससीच्या परीक्षा आता 4 वेळा पोस्टपोन झाल्या, ठीक आहे। पीएसआय एसटीआयच्या अजून एक्झाम झालेल्या नाही। पीएसआयची फिजिकल झाली, अजून मेन्स म्हणजे मेन झाली फिजिकल आणि इंटरव्ह्यू झाला नाही। त्याच्यानंतर पोलीस भरतीची ॲडव्हर्टाईज काढतो म्हणून अजून काढली नाही। त्याच्यानंतर जे नोकरीवर लागले त्यांच्या जुन्या पेन्शनचा प्रॉब्लेम आहे। त्याच्यानंतर ज्या परीक्षा पारदर्शक व्हायला पाहिजे पोलीस भरतीच्या किंवा अजून कोणत्याही ग्रामसेवक तलाठीच्या, हे महापोर्टल काढून दिलं। महापोर्टलनं खूप रुपयाचे फॉर्म भरून घेतले, अजूनही ते पैसे कुठे गेले आणि त्या परीक्षा कुठे गेल्या त्याचा आता पत्ता नाही। काय केलं मागच्या शासनानं हेही माहीत नाही। तर असे भरपूर प्रश्न आहे। त्याच्यानंतर गाव तिथं वाचनालय असायला पाहिजे। आंबेडकर साहेबांनी सांगितलं का जर मंदिरासमोरच्या लाईनी वाचनालयासमोर लागतील तर ह्या भारत महासत्ता होईल, आणि महासत्ता भारत घडवायचा असेल तर आपल्याला विद्यार्थ्यांना त्या क्षेत्रात उतरावा लागेल, ठीक आहे। त्यांना ज्ञान द्यावं लागेल, पण ज्ञानासाठी गाव तिथं वाचनालय ही संकल्पना राबवणं आवश्यक आहे। आपने बहुत सारे राजनैतिक चढ़ उतार देखे है। नागपुर तो ये ऐतिहासिक भूमि है, तो ये भूमि से क्यों ना ये मैसेज पूरे देश में भेजा जाए कि हम ये देश के नागरिक है और हम भी हमारा स्वच्छ सुंदर और सुरक्षित प्रतिनिधि चुनने में समर्थ है, और राजनीतिक नेताओं को ये सीख हम यहां से देंगे। यह ऐतिहासिक नागपुर है, यही हम अपेक्षा करते हैं युवाओं से विशेषतः। अज्ञानता को यदि दूर करना है तो शिक्षा का दायरा बढ़ना जरूरी है, मगर शिक्षा का दायरा बढ़ने से ही काम होगा क्या? क्योंकि आज देश भर में जिस प्रकार से विद्यार्थी हो बड़ी संख्या में बेरोजगारी का आलम है, ऐसे में ना तो सरकार ध्यान दे रही है ना कोई प्रशासन ध्यान दे रही है। हो सकता है कि विधान परिषद में अब ये जो सदस्य चुन के आएंगे शायद ध्यान दे, लेकिन ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश तभी मजबूत होगा जब देश का विद्यार्थी भी मजबूत होगा। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे, NBC न्यूज़ नागपुर।